मैं मतलब कमेंट्स पढ़ रही थी लोगों के, लोगों ने कहा इतनी जल्दी मूव ऑन कर लिया, मतलब डेढ़ साल जल्दी होता है। मैंने तो सोचा हुआ था कवल मैंने शादी नहीं करनी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैं ये सवाल पूछने वाली थी। तो मुझे लगता है कि आपकी जब शादी हुई, 5 साल आपने गुजारे, तुमने इस 5 साल में मुझे किसी इवेंट में देखा ना, तुमने इस 5 साल में मुझे किसी इंटरव्यू में देखा ना। मैं ना मलेशिया नहीं जा रही थी मेरे डिवोर्स के बाद। अब लोगों को लगता कि मेरी डिवोर्स अक्टूबर में हुई थी, या अक्टूबर में नहीं हुई थी। आपने एक जगह पे कमेंट किया था कि मैंने गलती की थी, 2018 मैंने कहा था कि मैं रिग्रेट कर रही हूँ कि मैंने अपने आप को चेंज किया था, और आपको कभी किसी के लिए अपने आप को चेंज नहीं करना चाहिए। कोई बात नहीं, लव मैरिज थी, हाँ पसंद की शादी थी। लड़कियों को कुछ नहीं चाहिए होता, लड़की को अपने, लड़की को ना पैसा भी नहीं चाहिए होता। मेरा शुरू से क्लियर था यार, मुझे शोहर नहीं चाहिए, शोहर मैंने देख लिया कैसे होते, मुझे शोहर नहीं चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए। वाली जो शादी भी आपकी जो हुई, ब्रेकअप जो आपको हुआ, उसमें भी लोग मतलब कि वही ना जो कमेंट्स वगैरह, लोग इन्हीं को ही क्रिटिसाइज, जिस तरह आपने कुछ मतलब कि कर दिया ना, आपको ब्लेम डालते हैं लोग, इसका किसी को स्टोरी वगैरह कुछ पता नहीं। औरत का टूटता है, तलाक सिर्फ उसकी होती है, बुरी सिर्फ वो हो सकती है। आप टीवी में आ गई, सही है, उस वक्त आपने ड्रामास वगैरह किया, आप उनकी वाइफ नहीं थी, और एक तो अम्मी को ये होता था कि रुहाम को देखो, दूसरा अम्मी को ये होता था कि तुम्हारी तलाक सिर्फ दो खानदानों में, दो घरों में नहीं रहने वाली, नेशनल न्यूज बन जाएगी। और ऐसा ही हुआ, होती होंगी जिनको पैसा चाहिए होता होगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भरे हुए पेट की हूँ, मेरे अब्बा का मैंने बहुत देखा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो मुझे पैसा चीजें नहीं चाहिए थी, लड़की को इज्जत चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है, और प्यार चाहिए होता है, और कुछ भी नहीं चाहिए होती। आप अपनी बीवी को बीवी वाली इज्जत दे रहे हैं, उसको मोहब्बत दे रहे हैं, और उसके स्टैंड कर रहे हैं, उसके लिए स्टैंड ले रहे हैं, उसके साथ वफादार हैं अगर आप, तो उसको और कुछ भी नहीं चाहिए, वो बहुत खुश रहेगी। और मेरे अबू ने अगर हमजा को कुछ चूज किया मेरे लिए, तो कुछ सोच के ही किया होगा ना। और पहले दिन बात करते ही मेरा शुरू से क्लियर था यार, मुझे शोहर नहीं चाहिए, शोहर मैंने देख लिया कैसे होते, मुझे शोहर नहीं चाहिए, मुझे दोस्त चाहिए, जिससे मैं हर चीज शेयर करूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम दोस्तों की तरह ही रहते हैं। क्या आपके, मुझे लग रहा है जैसे मैं आपकी शक्ल देखती हूँ, जैसे लगता है शैतानी ज़हन में कुछ ना कुछ आ रहा है। क्या शैतानी ज़हन? आप लोग आपस में बातें करते हैं, ऐसे करते हैं जलाल भाई, कुछ 3-4 तो मैंने टोटल सवाल पूछे हैं। हाँ आपने बड़ी कम सवाल पूछे, मैंने बिना पूछे भी ना मैंने काफी कुछ बोल दी। लड़कियों का यही अच्छा होता है ना, खुद ही बोल देते हैं। हमारा सीन भी यही है, हम एक चीज को ज्यादा ना पकड़ते नहीं, क्योंकि हमें वो नहीं चाहिए कि हाँ भाई कंटेंट निकले, हम कहते हैं बस आगे चलो। हमारा जो गेस्ट है ना वो कंफर्टेबल, गेस्ट ने तुम्हें पहले कह दिया था मेरा कुछ भरोसा नहीं है, मैं चप्पल उतार के ऊपर बैठ जाऊंगी, जिस तरह कंफर्टेबल हो, मतलब बात करने में, ये ना हो मैं जबरदस्ती कहूँ भाई मुझे रेटिंग चाहिए, कोई ऐसी लाइन निकाल देना, मसाला दे दो, मसाला दे दो, ये कर दो, मुझे लग रहा है काफी मसाला। वो आपने अपनी मर्जी से दी है। वो भाई आपने अपनी मर्जी से दी, इसीलिए मैंने जलाल भाई को कहा कि जलाल भाई बस बहुत है, अब जलाल भाई जलाल भाई तो बेचारे बैठे हैं इस तरह, नहीं, नहीं, और आप दोनों को देखे स्टार्ट किया था हम लोगों ने, माशाल्लाह बस कितनी घंटे, कितनी देर हो गई है, माशाल्लाह सवा एक घंटा हो गया। रियली हमारे पॉडकास्ट में यही होता है। अरे तुम लोग क्या क्या काटोगे इसमें से बताओ, हम कुछ नहीं काटने के लिए बस ये मैं तो पूरा डाल माइक सीधा कर रही होती हूँ, ये मैं बाकी कर रही होती हूँ, लोगों को लगेगा ये एक्टिंग कर रही होती है। जलाल भाई शुरू, अस्सलाम वालेकुम, मतलब ऐसे माइक भी कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ यार सीधे तो होके बैठे दो यार, जलाल भाई बात सीधे करने दो, ये शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया, थैंक यू आपका, क्या मुझे बुलाया, मैंने बहुत सारे शो, मैंने काफी सारे इंटरव्यूज छोड़े, मैंने काफी सारे पॉडकास्ट छोड़े, लेकिन जब मुझे कवल का नाम आया था ना, ये नहीं कि मेरे सामने बैठे तो मैं उसको बोल रही हूँ, लेकिन जब कवल का नाम आया था ना, तो मुझे था कि यहाँ मैं आराम से बात कर सकती हूँ, ऐसे ही है, हाँ बिल्कुल मेरी तरफ से भी, और ऐसे वाला भी, यार ऐसे वाला मुझे नहीं आता, मतलब आता मैंने पता नहीं, कोई ऐसे ऐसे मेरी दोस्तें जो इन्फ्लुएंसर है वो तस्वीरें ऐसे लेती है, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड सहर ऐसे लेती, वो ऐसे कर रही थी, तो मुझे लगा पता नहीं दो दिन आपके लिए, दिल वैसे मेरे पास एक ही है लेकिन दो दे रही हूँ आपको, एक टूटेगा दूसरा, नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं टूटेगा, अब नहीं टूटेगा इंशाल्लाह, मेरी तरफ से नहीं, तुम्हारी तरफ से मुझे लगे दिल टूटने वाला है, तुम दिल तोड़ने वाली लगती होती तो मैं यहाँ होती आज,
मैं आती ही नहीं। देखा मोहब्बतें हैं ये, कहते हैं नहीं, मैंने खुद भी नोट किया था जब इन्होंने हमें कहा कि हम मैं आ रही हूँ आपकी तरफ, तो मैंने खुद भी वही नोटिस किया कि क्योंकि ऑब्वियसली कहीं और भी आप मतलब लोगों के साथ कर सकते, लेकिन आपने हमें इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच। होती है आपकी सोशल लाइफ में जो इंसान सोशल पर्सनैलिटी है ना जितनी भी, उसकी बहुत कमिटमेंट्स होती है, तो हम कह ही नहीं सकते कि भाई तुम फ्री है आ जा। हमारा अभी तो मेरी नई शादी भी अभी तो दावते हो रही है। अच्छा नहीं, भाई को क्या कैसे आप अच्छी लगती हो? फुल तैयार हुई हुई, मतलब हर बंदे का होता है ना, वो कहते मुझे शादी 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 ऐसे शोर जितना कम मेकअप हो। नहीं, मुझे लगता है लड़कों को ज्यादा मेकअप नहीं पसंद, बस टिंट लगाया हुआ वो बहुत है। ये जलाल भाई ने भी देखा हुआ, मैं भाई शादी भी तो मेकअप करना है ना, अब घर में एक बीबी क्रीम लगा के ऐसे ऐसे मस्कारा लगा के आ जाऊंगी तो वो जुड़के कहेगा बहुत प्यारी लग रही हो। यार मैं तुम्हें पिक्चर दिखाती हूँ, मैं इतनी प्यारी लग रही थी और मेरे मियाँ ने मुझे क्या कहा, मैंने अपनी मदर इन लॉ को मेकअप किया, एज आई टोल्ड यू दैट आई एम वेरी क्लोज टू हर, और मैं उनके साथ बड़े दोस्तों की तरह रहती हूँ ना, तो मैंने उनको मेकअप किया, मैंने कहा मम्मा जी आए आज आप मैं आपको मेकअप करती हूँ। मैंने उनको बताया, मैंने मम्मा जी को मेकअप किया, कहते थोड़ा अपने मुंह पे भी कर लेना था। मैंने कहा देखो मेरी मम्मा जी को कितना प्यारा मेकअप किया, कहते थोड़ा अपना भी अच्छा कर लेना था। क्या मतलब आप बताओ? मैंने कहा मैं अच्छी नहीं लग रही। हाँ ठीक है, बाद में बोली अपनी अम्मा को बोली किरण अच्छी लग रही है, मुझे नहीं बोला कि मैं, अब बताओ मैं अच्छी नहीं लग रही? बहुत प्यारी लग रही हो। और मुझे और ये मेरी सास है। ओह माशाल्लाह। तो मैंने इनको तैयार किया, मैंने कहा मैंने उनको इतना अच्छा मेकअप किया, वो इतनी प्यारी लग रही थी, तो थोड़ा अपना भी अच्छा कर लेना था। भाई को ये होगा तुम खुद तैयार नहीं हुई, आप खुद नहीं तैयार हुई थी? मैं खुद ही तैयार हुई थी। अच्छा। उनको भी मैंने ही तैयार किया था। तो फिर एक्स्ट्रा मेकअप किया था आपने? नहीं, क्यों किया था मेकअप? लड़कों को मेकअप नहीं अच्छा लगता। ज्यादा किया था तो मेकअप नहीं। मैं ऐसे मेकअप करवा के आई हूँ सैलून से, गाड़ी में बैठी हूँ, मेरा पहला होता मैं जुड़के ऐसे पूछती हूँ कैसी लग रही हूँ मैं, तो जुड़के अच्छी लग रही हो, बेस फिर से आधा लगवा लिया। ऐसे ही कसम खुदा की यही होता है, यही होता है। फिर मैं ऊपर वाला शीशा खोलती हूँ, मैं देखती रहती हूँ कि मतलब उलझन होने लग जाती है कि भाई क्या यार, मैं दुल्हन बनी हुई थी तो मुझे बोला दादा मेकअप नहीं हुआ वहाँ मेरी, तुम खुद बताओ मेरे निकाब में मेरा हैवी मेकअप था नहीं था उसमें भी, मुझे जोड़ा सब कुछ बहुत उसमें भी हो गई दादा मेकअप नहीं, बोले वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं सिर्फ टिंट लगा के मस्कारा लगा के आ जाऊंगी कि हाँ जी आ जाए, नहीं भाई पिक्चर्स आनी थी। और वो जो लोग कह रहे हैं लड़के की नाक पे चुमियां कर रही है, भाई मुझे फोटोशूट अच्छा चाहिए था, पहले वैसे भी नहीं हुआ था, मैंने कहा इस बार अच्छा होना चाहिए। वो शोहर है, चुमियां करे जो मर्जी करे, तुम लोगों को क्या है? देखिए भाई मुझे फोटोशूट अच्छा चाहिए था। पकड़ो आप, हक कर सकते हो कोई मसला? हाँ हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह मतलब महरम है, महरम को ही कर रहे हो, किसी गैर महरम को करे फिर के ना। पर लड़कों का मुझे लगता है वाकई थोड़ा मसला, लड़कों को मेकअप से मसला होता है, मसला होता है। इतनी पेस लगा ली है, पाउडर पाउडर नजर आ रहा है, पाउडर सफेद सफेद लग रहा है, सफेद लग रहा है। मैंने कहा ठीक है अब नहीं करवाना है, पर फिर भी करवा लेती हूँ। परेशान और आप साड़ी पहने तो बस लगता है कि कहीं शादी कहीं शादी में जा रहे हो भाई, एम ही बंदा साड़ी पहन सकता है, पहन सकता है, इसमें कोई मसला पाकिस्तान में थोड़ा तो। हाँ पाकिस्तान में तो लोग कभी भी पहन सकते हैं। मुझे तो साड़ी पहनना बहुत अच्छा। हाँ मुझे खुद मेरा जब दिल चाहता है मैं साड़ी पहन के कहीं बाहर निकल जाती हूँ, फोटोशूट करवा के उतार के रख देती हूँ। मुझे कॉटन की साड़ियाँ अच्छी लगती है, मैं कहता मैं नॉर्मली पहनूं, वो बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन बहुत खूबसूरत लगती है। यहाँ तो ये सिर्फ शादियों पर साड़ी पहनी जाती है, शादी यार आप कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें भी अभी ये बंद करना चाहिए, बहुत ज्यादा हो गया। हमने लड़कियों ने ऐसी बातें करती रहनी करती रहनी करती रहनी, जलाल भाई ने ऐसे टांगे हिलाते रहने की गप जान ली, एपिसोड 1 2 3 4 करके लगेगा, 10 एपिसोड निकल आएंगे। थैंक यू सो मच, आप आए और इंशाल्लाह अब तो ये मोहब्बतें इसके बगैर भी चलती रहेंगी, मतलब कैमरे के अलावा भी चलती बिहाइंड द कैमरा। हाँ इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम लोग बातचीत करते रहेंगे इंशाल्लाह। और जाने से पहले अपने चाहने वालों को क्या कहेंगे और अपने हेटर्स को क्या कहेंगे? यार मैं थोड़े से जो हेटर्स हैं बिना, मैं हेटर्स को काउंट ही नहीं करती। मैं अपनी जिंदगी में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह 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 इतनी खुश हूँ कि वो मुझे नजर ही नहीं आते। मैं अगर अभी मैं नेगेटिविटी नहीं देख रही, मैं सिर्फ पॉजिटिविटी देख रही हूँ, और पॉजिटिविटी इतनी है ना कि वो बहुत हावी है नेगेटिविटी, मैंने देखने ही नहीं है। और जो लोग मुझे इतनी सारी दुआएं दे रहे हैं और जिन्होंने मुझे इतनी सारी दुआएं दी थी, उनके लिए सिर्फ शुक्रिया।
बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने मुझे मुझे बहुत सारे, जब भी मेरे मसले हुए हैं या मैं अपसेट होती हूँ तो लोग मुझे मैसेज करते हैं और बहुत सारी दुआएं देते हैं, उन सबको मेरी तरफ से बहुत दुआएं। अल्लाह सब लड़कियों के नसीब अच्छे करे, आमीन सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे, सबको आमीन अपने घरों में खुश रखे। आमीन। और बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इतनी सारी दुआएं देने का, इतना सारा प्यार देने का, और मजीद जो दुआएं आ रही उनके लिए भी। और स्पेशल थैंक्स टू माई बेस्ट फ्रेंड सहर के जिस तरह तुम मेरे साथ रही हो ना, अल्लाह ताला हमेशा तुम्हें मेरे साथ रखे और हमेशा इसी तरह मुझे सपोर्ट करती रहना, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। दोस्तें ब्लेसिंग है यार, वो दुबई से सिर्फ मेरा निकाह अटेंड करने आई थी और फिर वो चली गई। बड़े कम होते हैं ऐसे दोस्त। मैं इतना मैं लड़के के लिए नहीं रोई जितना लड़कियों के लिए रोई हूँ। ये नहीं नहीं मेरी दोस्त बहुत अच्छी है, दोस्त ब्लेसिंग है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह पाक हमें भी अच्छे ब्लेसिंग दोस्त से नवाजे। अच्छे कह रही हूँ, अल्लाह पाक हमें भी नवाजे, नहीं तो कोई नहीं शो। नहीं नहीं लड़कियों में आपस में कंपटीशन शुरू होता है, मेरी वाली का नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। कहा ना मैंने, ये दूसरी लाइन पे शुरू हो जाएगी, बाकी होता है कंपटीशन। और थैंक्स टू माय हस्बैंड कि आज मैं यहाँ बैठी हूँ और इतना खुल के, इतना खुल के हंस रही हूँ, इतना हाँ। खुल के बोल रही हूँ, इतनी प्यारी खुश हूँ, प्यारी लग इतनी खुश हूँ। देखो प्यारी इसीलिए लग रही हूँ क्योंकि मैं खुश हूँ। हाँ। तो इतनी जो मैं खुश हूँ, मैंने बाहर जगह बैठकर हमेशा अपने माँ बाप को शुक्रिया बोला है, अपने घर वालों को शुक्रिया बोला है। दो पहली पहली बार मैं पब्लिकली अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलूंगी कि बड़े हिम्मत वाले हैं वो, जो सबके सामने पूरी दुनिया से बातें भी सुन रहे हैं सब कुछ है, और फिर भी वो मेरा हाथ नहीं छोड़ रहे। सो थैंक्स टू हमजा, माशाल्लाह थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद करते हैं आपको हमारा पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा। फरमाइए, सब्सक्राइब वगैरह करवाना है।